पिघला दे जंजीरे बना उसकी शमशीरे कर हर मैदान फतेह बंदे आ कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान ਫਤੇ ਕਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤੇ ਕਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤੇ 2014 का जो हकदार है ट्रॉफी का इस वक्त हमारे साथ है वैभव पहले सबसे तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और ये ट्रॉफी अपने आप में ही जीतना एक बहुत बड़ी बात है इस ट्रॉफी को आपने इस बार अपना नाम इस पर अर्जित किया है पहले सबसे तो बताइए किस तरह का वो मोमेंट रहा और कितना आप स्पेशल मानते हैं इस जर्नी को अपने। मैं बहुत खुश हूँ और मतलब ओवरवेलम बहुत फील कर रहा हूँ कि आप सबके इतने सारे प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं एक खिताब जीत पाया हूँ सो so, बहुत वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खास था जिसमें वो मेरा नाम डिक्लेयर हुआ और मैं बहुत शौक मतलब एक होता है ना कि जब सपने पूरे मतलब हो जा मतलब इमेजिन नहीं था मतलब मैं तो बस हरफन मौला गा रहा था और उस दिन मैं उस दिन जो सेट पर आए थे हमारे सोनू सर सोनू निगम जी तो उनका और ही ऐसा है कि मेरा नज़रें उनसे नहीं हट रही थी उनको कान मेरे उन्हीं को सुन रहे थे तो विनर जब घोषित हो रहा था तो बस दिमाग में चल रहा था कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा फिर एकदम से मेरा नाम हुआ तो कुछ सेकेंड बाद मुझे ए, मेरा मेरे दिमाग से काम से स्टार्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ मैं विनर हूँ बहुत जब वो ट्रॉफी आई हाथ में तो मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे बहुत खुश थे वो बहुत धन्यवाद कर रहे थे भगवान को तो मैं देख रहा था हाँ शायद मैंने एक खिताब जीता है जिससे मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट दे पाऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके इतने सारे प्यार और आशीर्वाद और इतनी सारे दुआओं की वजह से आप आपने जो इतना सारे वर्ड्स दिए और भोकाल मचा दिया उसकी वजह से आज मैं सीज़न फोर्टीन का विनर हूँ सो थैंक यू सो मच और ये वक्त और ये जो एक वो जो वक्त था वो कभी भूल नहीं सकता मैं वैभव हर किसी को अपने रूट हमेशा से ही याद रहते हैं और ऐसे में जब कुछ बड़ा हो जाए तो दोबारा से वही सारा कुछ रिकलेक्ट होने लगता है आपको कितना रिकलेक्ट हो रहा है वो सारा ही आपकी जो एक जर्नी रही है मैं ऑडिशन में आया मैं शांत सा एक एक चुलबुला सा वो कानपुर से आया वो एक लड़का आया मैं ऑडिशन में और शुरुआत हुई मेरी हमका पीनी ऐसे मैंने हमका पीने गाया था ऑडिशन में जजेस बहुत खुश हुए थे वो जर्नी जो मेरी शुरू हुई ना मतलब पूरी आइडल में इतनी इतनी सुंदर इतनी मतलब एकदम सजी हुई जैसे नहीं होती है एकदम आ, तो ये जर्नी ऐसी है मेरी लाइफ में छपी है कि जब भी मैं मुड़ के देखूंगा इस जर्नी को तो वो वापस से सारे शब सब मेरे सामने विजुअल्स आएंगे वो हमारे प्यारे जजेस हमारे प्यारे हुसैन सर हमारे प्यारे कंटेस्टेंट्स उनके साथ जो मैं मज़े करता था और जो हमारे शो पे जो हमारे गेस्ट आते थे उनके साथ हमको जो मोमेंट शेयर करते थे हम ये बहुत मिस करने वाला हूँ और ये जो जर्नी है बहुत कमाल रही है हम सारे कंटेस्टेंट्स के लिए और बहुत मिस करने वाला हूँ मैं ये सब बहुत जी आ, पूरे ही आपके जो एक जर्नी रही है इंडियन आइडल की उसमें कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कई सारी सीखें मिली आपको uh, कौन सी ऐसी सीख है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है रहने वाली है आपके साथ ऑल्सो जितने भी जजेस रहे हर एक के साथ एक अलग कनेक्शन रहा होगा कौन सा एक मोमेंट उनके साथ भी है जो कि काफ़ी यू नो मेमोरेबल रहा हो बहुत मतलब उनके साथ तो हर मोमेंट मेरा मेमोरेबल रहा है कि जब संजो संजय दत्त सर आए थे तो वो तो बाबा हैं मतलब वो आए उन्होंने एकदम सेट सेट का और बदल दिया वो स्टेज पर आए मैंने उनका गाना उनका उन्हीं के गाने गए थे मुन्ना भाई एमबी सर ठर की छोकरो बहुत खुश हुए थे वो मतलब और उसके बाद विशाल सर ने मुझे कहा था कि ठरकी छोकरो जो स्वरूप खान ने गाया है वो यहीं से लिख हैं मतलब आइडल से तो विशाल सर ने कहा था कि तुम भी यहाँ से निकल के तुम्हारा भी एक बॉलीवुड में गाना आएगा तो तुम्हारे जजेस हम सबको इतना इनकरेज करते थे हमें प्रेस करते थे कि और हमें बताते भी थे मतलब बैक्स और ऑफ कैमरा हमें वो बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए हमें म्यूजिकली रहना चाहिए हर वक्त तो बहुत सारे मोमेंट थे और एक हमारे प्यारा हमारा एक मोमेंट था हमारा को सानू दादा के साथ मैंने उनकी मिमिक्री की थी बहुत मतलब वो तो बहुत ही मूवमेंट बहुत कमाल का था दादा ने मुझे बुलाया मैं डर गया था एकदम से कि वो क्या बोल रहे हैं फिर उन्होंने मुझे अपनी सीट पे बैठाला फिर मैंने उनकी मिमिक्री की तो मैंने इस पूरे आइडल की जर्नी में उनके साथ तो बहुत अपने जजेस के साथ बहुत मूवमेंट ऐसे मेरे रहे हैं बहुत कमाल के मतलब आ, सब सब दिख रहा है मतलब आंखों के सामने वो जो पूरे जर्नी में हुआ है सब मूमेंट्स में अपने प्यारे जजेस को तो बहुत ही मिस करने वाला हूँ मतलब श्रेया मैम की वो आवाज़ कोयल जैसी विशाल सर का वो अश्शर वाला वो दहाड़ सानू दादा का वो रोमांस वाली आवाज़ें हुसैन सर की वो लिंक्स इंडियन आइडल वेलकम टू तो इंडियन आइडल वो सब मिस करने वाला हूँ तो ये जर्नी तो कमाल ही है मतलब लोगों ने प्यार दिया इतना इस इस शो को हम सारे कंटेस्टेंट्स को सो उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे में जब कोई मुंबई से नहीं होता है बाहर से आता है अपने सपने पूरे करने के लिए ड्रीम ऑफ सिटी में मुंबई में तो ऐसे में काफ़ी सोच होती है कि रियलिटी शोज़ में आपको वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा या फिर पैसे खिलाए जाते हैं कितना यू नो you know, अपने टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है आपकी इस जर्नी में कितना जस्टिफाइड लग रहा है आपको और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका क्योंकि बींग नॉर्मल ह्यूमन जब आप टी पर आते हो वो बहुत बड़ी बात होती है लेकिन वो स्ट्रगल कि किस तरह से हुआ या फिर Uh, कुछ जो बातें कही जाती है वो है या नहीं इसके बारे में सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ी आ, बहुत बड़ा झूठ है ये कि ये जो आपने बोला कि ये टैलेंट में इतनी दम होती है कभी कभी मतलब हर बार जो आइडल आप देखते हैं कि इतना खतरनाक टैलेंट आता है तो टैलेंट में इतनी दम है कि वो सीधा सिक्सर होता है वो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मतलब आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते मतलब ऐसा है कि हमारा टैलेंट ही मतलब हम अपनी आवाज़ से लोग मतलब हम जब मैं जब देखता हूँ कि हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो लोगों की जो कमेंट्स आते हैं उससे ही समझ में आ जाता है कि आ, लोग पसंद कर रहे हैं मतलब ये स्ट्रगल है मतलब हम बहुत स्ट्रगल हम सारे म्यूजिशियन स्ट्रगल करते हैं बहुत और आ, हम जब आते हैं आइडल के स्टेज पर तो लोगों को लगता है कि हमने ऐसा कुछ कुछ ऐसा जो आप बोल रहे थे तो ये बिल्कुल गलत है और हम बहुत मेहनत करते हैं सबसे पहले तो आप सबके आप सबको अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सबको खुश करने के लिए सो जैसा आप देखते होंगे कि अभी बीते सीजन्स में जो टैलेंट आया है आइडल में कितना कामयाब और कितना कमाल का टैलेंट सलमान भैया वो आए उन्होंने लोगों का दिल में राज किया और उसके बाद दबंग में गाना भी मिला उन्हें सो ये सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है और उस आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है टैलेंट से बड़ा कुछ नहीं है

तीन तीन प्लेबैक मैंने कर लिए हैं मैं अपनी बात बोलूँ मैंने फ़ाइटर मूवी में हम सारे कंटेस्टेंट्स ने गाना गाया तो हमारा डेब्यू शुरू हो गया मतलब हमारा आगाज़ इतना कमाल हुआ है हमारे विशाल सर ने हमें विशाल शेखर सर ने हमें फाइटर मूवी में गाना गाने का मौका दिया हमने श्रीमद रामायण में प्लेबैक किया उसके बाद हमने और भी हमने अभी, अभी, अभी हमारा एक और एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है रफ्तार में आगे उसमें हमने प्लेबैक किया सो ये आगाज़ हो चुका है मतलब जो लोग बोलते हैं कि अब आगे क्या होगा तो हमने शो में रहते ही इतने तीन प्लेबैक कर लिए तो एक्सपीरियंस आ गया है हमें और हम मैं वादा करता हूँ कि हम सारे कंटेस्टेंट्स बहुत आप सबको अपनी आवाज़ से ख़ूब मज़े देने वाले हैं आगे और ख़ूब आप सुनने वाले हैं हमें और हम कहीं नहीं गायब होने वाले हम कहीं नहीं जाने वाले हम हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहेंगे और अपनी आवाज़ से आपको एंटरटेन करते रहेंगे बिल्कुल तो ऐसे में सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए भी आज वो आने वाले दिनों का आगाज हो जाए एक गाने से जी पिघला दे जंजीरें बना उसकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदे आ कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे आ हर मैदान फतेह बिल्कुल फते। हम यही चाहेंगे कि आपके जीवन में आप हर मैदान को फतेह करें जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कैमरामैन मैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा मुंबई हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप जल्दी से इसे लाइक करें और कमेंट दे अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें नाम तो आप सब जानते ही है ना सास बहू और पेटिया